मेरे प्यारे दोस्त, आपके साथ धोखा हुआ है। और धोखा क्या कि ये सरकार निकम्मी है, निकम्मी है। और जितने भी सरकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं साफ साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सरकार निकम्मी है, निकम्मी है। आप सबको पता है कि युवाओं के साथ कितना बुरा किया जा रहा है। वो अपनी मन की भड़ास कहां निकाले, उन सबकी मन की भड़ास मैं निकालूंगा आज। हम दिखाएंगे तुम्हें तुम्हारी औकात। इस समय भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग किसी ना किसी तरीके की बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस कोरोना के टाइम में गई। 50 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस जुलाई के महीने में गई। अगर मैं कहूं कि चुनाव का नामांकन आज किया जाए, 2 साल बाद चुनाव कराया जाए, 1 साल बाद चुनाव का रिजल्ट आए और चुनाव में गड़बड़ी के कारण 3 साल कोर्ट में मुकदमा चलता रहे और उसके बाद कोर्ट उस चुनाव को निरस्त कर दे, तो सरकार में बैठे लोगों को और नेताओं को कैसा लगेगा? आज अगर हम ये सोच रहे हैं कि जो NTPC RRB के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500-500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे, कितना बढ़िया धंधा चल रहा है, कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं NTPC और RRB में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, फिर आपने जब फॉर्म हमसे भराए थे, जब हमसे फीस वसूली थी, तो क्या सोच के वसूली थी? लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है, सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ यही दिखाओ, चिल्ला रहे हैं बुरी तरीके से। एक एंकर आप मुझे बता दो कि तमीज का है, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह और ये फलाने भाई साहब, रिपब्लिक TV वाले भाई साहब, क्या नाम है इनका, गोस्वामी जी, ये तो बुद्धि भ्रष्ट इनकी हो गई है, मैं सच बता रहा हूं। ये जितने बुरे कर्म कर रहे हैं, जितने लोगों की बद्दुआएं ले रहे हैं, आज से आप सबसे मैं गुजारिश करता हूं, आप सबके माँ बापों से गुजारिश करता हूं कि इस मीडिया को बायकॉट कर दो। आप सोचोगे कि क्यों, मैं आपको बता दूं, इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। एक जमाना हुआ करता था जब मीडिया अगर कोई बात कहती थी तो सरकार की जवाबदेही बनती थी। आज मीडिया चिल्लाती रहे, मीडिया को कोई मतलब नहीं है, सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार जरूरी नहीं समझती कि वो मीडिया के बात का जवाब दे, क्योंकि मीडिया बायस हो चुकी है। मीडिया को न्यूट्रल होना चाहिए। आज देश के अंदर कोई पॉलिसी आती है तो मीडिया जनता से जाके सवाल पूछती है, जबकि उसको सरकार से पूछना चाहिए कि आप ये पॉलिसी लेके आए हो, इसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे, कैसे लोगों तक फायदा पहुंचाओगे, वो जनता से सवाल कर रहे हैं उल्टा। ये कोई न्यूज है क्या यार, इसके बगैर मेरे को क्या खाना हजम नहीं हो रहा है। लेकिन अगली बात आती है जी, देखो कितनी अच्छी है ये ANI है, जो माना जाता है भारतवर्ष का एक बेहतरीन न्यूज एजेंसी है। ठीक है, बेहतरीन, क्योंकि आप देखेंगे जी, नरेंद्र मोदी जी अगर गुफा में भी घुसे हुए हैं तो सिर्फ एकमात्र यही फोटोग्राफर वहां पर मिलता है कि वो वहां अनुलोम विलोम कर रहे हैं और वो भगवान भोलेनाथ का जाप कर रहे हैं, तो ये वाला न्यूज चैनल हमेशा वहां पहुंचता है। लेकिन ये उन बच्चों के घर कभी नहीं पहुंचता जो बच्चे पेपर के रिजल्ट न आने की वजह से साइड करते हैं, ये कभी वहां नहीं पहुंचता, ये कभी वहां आवाज ही नहीं उठाता। लेकिन ये फर्जी, ये यहां पहुंचता है कि महाराष्ट्र एक्टर रिया चक्रवर्ती एंड हर ब्रदर शोविक चक्रवर्ती अराइव एट DRDO गेस्ट हाउस। ये कोई न्यूज है क्या यार, इसके बगैर मेरे को क्या खाना हजम नहीं हो रहा है। लेकिन ये कोई न्यूज है क्या यार, इसके बगैर मेरे को क्या खाना हजम नहीं हो रहा है। लेकिन इसके अंदर इतनी बड़ी बुरी स्थिति बनती जा रही है जिसकी वजह से हर छात्र, हर अभिभावक और हर एक अध्यापक की नींद उड़ी हुई है। बात छोटी नहीं है, बात बहुत गहरी है। अगर ध्यान से नहीं सुनते हैं तो बात आने वाले 5 साल 4 साल में कोई सुनने वाला नहीं है। साल थोड़ा बैक जाऊंगा, बात करता हूं 3 अक्टूबर 2014 की, जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी, हमारे सम्मानित PM, पहली बार मन की बात को लेकर हम सभी के सामने आए। तो उम्मीद करता हूं, कसम खा रहा हूं, मैं मुझको नहीं पूरे देश के करोड़ों युवाओं को, करोड़ों शक्तियों को एक एहसास हुआ कि आज एक बहुत ही ताकतवर PM हमारे सामने आ रहा है। वो हमारे दिल की बात करेगा, हमारे मन की बात सुनेगा, अपने मन की बात कहेगा, मन की बात पूछेगा। मैं आपको डेट बता रहा हूं, 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार जब आकाशवाणी ने प्रचार किया और उनको लाइव किया मन की बात के साथ, तो नरेंद्र मोदी जी, और सबसे बड़ी बात है कि उस दिन विजयदशमी हो रही थी, दशहरा का पर्व हो रहा था, पूरे देश में एक हंगामा सा हो गया कि पहला PM आया है जो खुद युवाओं से जुड़ने की बात करता है, मन की बात कहता है। हम भी खुश हुए थे, दिल से खुश हुए थे, और यह कसम खाई थी कि मोदी जैसे व्यक्तित्व को 5 साल नहीं, अगले 50 साल तक अगर देश का PM बनाना पड़े तो हम लोग बनाएंगे। कसमें खाई थी, कसमें खिलवाई थी। लेकिन 3 अक्टूबर 2014
का वो प्रधानमंत्री जो इतना ऊर्जावान हुआ करता था, युवाओं के मन की बात करना चाह रहा था, आज मुझे बहुत दुख हुआ 30 अगस्त 2020 को इतवार के दिन आज वही प्रधानमंत्री जब मन की बात करने आता है तो वो आपकी बात नहीं करता है, युवाओं की बात नहीं करता है, वो बात करता है डॉग्स कुत्तों की, वो बात करता है चिंगारी एप्स की, वो बात करता है खिलौनों की। आप लोग खिलौने बनाओगे? और खिलौनों की बात क्यों करता है वो? क्योंकि 2019 में अंबानी परिवार ने, रिलायंस समूह ने और मुकेश अंबानी ने ब्रिटिश की 259 साल पुरानी बहुत ही प्रतिष्ठित खिलौनों की कंपनी हैमलीज को खरीद लिया है और आज अब वो अपना सारा पैसा लगाकर उन्होंने देश के तमाम बड़े शहरों में, नोएडा में, बनारस में, गुजरात में, बहुत जगह, ठीक है, तमिलनाडु में वो हैमलीज के बड़े बड़े स्टोर खोल रहे हैं। 259 साल पुरानी ब्रिटिश कंपनी हैमलीज खिलौनों की बहुत ही प्रतिष्ठित जो है अपना स्टोर है वो, उसको अंबानी ने खरीदा है। उस 2019 के बाद आज वो प्रधानमंत्री उनकी तारीफ करता हुआ देश के युवाओं से ये कहता है कि आप खिलौने बनाना सीखें, आप खिलौनों के प्रति प्यार लाइए। अरे क्या कभी नरेंद्र मोदी जी ने यह बात की कि हम आपके युवाओं की बात करते हैं, युवा मन की बात करते हैं, हमें किसी प्रधानमंत्री से, किसी पार्टी से न नफरत है न प्यार है, जो पार्टी हमारे लिए काम करेगी, युवाओं को रोजगार देगी, हमारी बात करेगी, हम उसकी बात करेंगे। प्रधानमंत्री कोई बने, प्रधानमंत्री आकाश से आए, जमीन से आए, तमिलनाडु से आए, गुजरात से आए, उत्तर प्रदेश से आए, बिहार से आए, लेकिन वो हमारे युवाओं की बात करे। वो प्रधानमंत्री जिससे हम सभी को उम्मीदें लगाया हमने लगाया हुआ था, वो कुत्तों की बात करता है, डॉग्स की बात करता है, चिंगारी एप्स की बात कर रहा है। इसके बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तक कभी, सभी लोग बता दें, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तक युवाओं के बारे में कभी मन की बात की? मैं दावे के साथ कहता हूं, 200% दावे के साथ कहता हूं, कभी नहीं किया। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी युवाओं की बात सुनी? नहीं सुनी। और उनकी बात उन तक पहुंचे। मुझे तो एक उम्मीद जगी थी कि ये सभी लोग जमीनी लोग हैं, जब सत्ता में आएंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी, हमारी बात कही जाएगी। वो प्रधानमंत्री जब आज मोर को दाना चुगाता है तो आप जैसे करोड़ों लाखों युवा उसकी फोटो खींच रहे हैं। याद रखिए, आज आप मोर चुगते हुए दानों की फोटो खींच रहे हैं। अगर आपके हालात यही रहे और आपने अपने क्वेश्चन, अपने प्रश्न अगर आपने सरकार से नहीं पूछे तो आपकी जिंदगी, आपका परिवार, आपके मां बाप, आपके आने वाले बच्चे खुद मोर बनकर के नाचेंगे और उसको नचाने वाली आज की सरकारें होंगी। सरकार कोई भी हो, मुझे डर नहीं है, मुझे जेल भेजा जाए, मैं आप सब करोड़ों युवाओं के लिए, मुझे तिहाड़ जेल में डाला जाए, मैं जेल डालने से नहीं घबराता हूं, अपनी बात खुलकर बोलता हूं। और आज मैंने आपके लिए, ये देख लीजिए, आज मैंने कई पन्नों का पूरा शोध करके 4 घंटे मैंने काम किया है, पूरा दिन लगाया है, अपने मन मस्तिष्क को तैयार किया है, क्योंकि आज मैं मन की बात करने आ रहा था आपके लिए, युवाओं के लिए। मैं प्रधानमंत्री जैसा नहीं हूं कि जो सिर्फ अपनी बात करे, मेरा किसी के साथ कोई विरोध नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आप जो है राम मंदिर बनवाइए, हम आपके साथ हैं, आप धारा 370 हटाइए, हम खुलकर आपके साथ हैं, अपना खून पसीना बहा देंगे। लेकिन अगर आपने या आपकी पार्टी ने या सरकारी नुमाइंदों ने, अधिकारियों ने अगर हमारी बात नहीं की, अगर हमारा युवा आत्महत्या करने को विवश हुआ तो ये करोड़ों युवा, कई करोड़ युवा चुप नहीं बैठेंगे, जेल जाने से नहीं डरेंगे। मैं खुलेआम कहता हूं। दूसरी बात, ये जो भांड मीडिया है, अमीश देवगन, न्यूज 18, इसके बाद वो जो एक रोज आता है, पूछता है भारत लेकर, उसका नाम नहीं, वो पूछता है भारत कैसे बड़बड़ा रहा है, मुझे समझ में नहीं, पूछता है भारत। अर्णब गोस्वामी ने क्या आज तक कभी आपसे पूछा कि युवा क्या चाहते हैं? क्या युवाओं के मन की बात पूछी? क्या कभी पूछता है भारत में अर्णब गोस्वामी ने, प्रधानमंत्री जी, आपसे कुछ पूछा? मैं दावे के साथ कहता हूं, इन चमचों के अंदर इतनी औकात नहीं है जो आपसे कोई बात ऐसी पूछ सके। अमीश देवगन, आज तक ये जितने भी लोग हैं इनको मैंने पिछले 4 महीने से देखना बंद कर दिया है और कसम खाई है कि मैं खुद, हमारी पूरे लोग, हमारे टीचर्स, हमारे बच्चे, हमारे साथी, हम खुद इतने
ताकतवर हैं, हमारे पास करोड़ों लोगों की सब्सक्रिप्शन है, हम अपनी बात खुद उठाएंगे, आगे आएंगे, लेकिन इन भार मीडिया की बात नहीं मानेंगे, इनको हम बायकॉट करेंगे। अगर मीडिया के अंदर औकात है तो किसी भी नेता को लाकर, हम जैसे जो हमारे 4-10 जो हमारे शिक्षक हैं उनको प्रत्येक महीने महीने में एक बार डिबेट के लिए खुलेआम बुलाया जाए, अगर उनकी औकात है हम भी अपनी बात को रखेंगे, रखना जानते हैं, हमें बुलाया जाए और हम अपनी बात रखेंगे। मुझे अपनी बात, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो देश के सारे फैकल्टी हैं, उनको अपनी बात रखना आता है तो हमें मौका दिया जाए, नहीं तो हम मजबूर हो जाएंगे आंदोलन करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर बिहार में चुनाव नहीं होता तो मैं दावा कहता हूं ऐसे हजारों सुशांत सिंह मार दिए गए हैं और आगे भी मारे जाएंगे। ये भान मीडिया, ये डिबेट, दावे के साथ कहता हूं कुछ नहीं होगा, इनकी केवल चाल है बिहार चुनाव को जीतने की, इन्हें कोई मतलब नहीं है युवा नौकरी से, युवा शक्ति से। हमारी बात खराब हो तो आप करोड़ों बच्चों आप मुझे गाली दो, मुझे गाली सुनना मंजूर है, लेकिन हम इन भार नेताओं को, भार मीडिया को और जो ये कमीने अधिकारी का है जो इतना पढ़ लिख करके सरकार की नुमाइंदगी करने वहां पहुंचते हैं और आज वो आपकी बात नहीं उठाते हैं। सबसे पहले मैं ट्विटर पे जुड़ी हुई कुछ खास खबरें आपके साथ पेश करूंगा दोस्तों, और उसके बाद मुद्दे पर लेकर आना चाहूंगा। ये वो नामी गिरामी ट्विटर हैंडलर्स हैं जिनकी बातें पूरा का पूरा भारत ही नहीं भारत के बाहर के लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन कभी इन्होंने इस मुद्दे पर आवाज उठाई नहीं जिसकी वजह से एक देश का भविष्य निर्धारित होता है। सबसे पहले देखिए द हिंदू ने क्या कहा है आज सुबह के एक ट्वीट में, इन्होंने ये कहा है कि भाई मेट्रो सर्विसेज को ये 7 सितंबर से शुरू कर देंगे और इनकी कैलिब्रेटेड सेंस होगी, ठीक है, कैलिब्रेटेड इनकी मैनर होगी। अब ये कैलिब्रेटेड मैनर क्या है ये भगवान जानता है, ठीक है ना। इसका मतलब जहां से सरकार को रेवेन्यू आना शुरू हो जाए वो सर्विसेज चालू कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वहां कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है। देश में जहां से रेवेन्यू आ सकता है उन चीजों को आप चालू कर दीजिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये द हिंदू का कहना है, जिस हिंदू को बच्चा सुबह हर रोज भागवत गीता की तरह पढ़ना चाहता है, वो बच्चा जो यूपीएससी एसएससी और रेलवेज के एग्जामिनेशन की तैयारी करता है, जो भागवत गीता की तरह पढ़ता है, कुरान शरीफ की तरह पढ़ता है, वो हिंदू की खबर ये है। लेकिन इनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि ये देश के इस युवा के लिए रोजगार की मुद्दे को उठा सकें, जिसमें इनका कुछ भी नहीं लगता लेकिन इनका सब कुछ बिगड़ता नजर आता है। मैं दूसरी खबर आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, ये है हमारे हिंदुस्तान टाइम्स का एक ट्वीट, सुबह का ये ट्वीट है दोस्तों, और इन्हें देश के अंदर कोरोना फैला हुआ है और इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यू आर गोइंग टू बी सोरली मिस्ड फ्रॉम सीएसके। तो ये सुरेश रैना जी की खबर हमें दिखाना चाह रहे हैं कि सुरेश रैना जी भारत के युवा वर्ग के रोजगार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मुझे शर्म आती इस मीडिया के बिके हुए चेहरे को आपके सामने लाते हुए, और फिर मैं मुद्दे की बात करूंगा दोस्तों। ये देखिए जिस जैसा न्यूज चैनल मैंने आज तक नहीं देखा, इसके नाम को पढ़कर देखकर मुझे बड़ी शर्म आती है। देखिए सर, उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है आपराधिक वारदातें, अरे भाई साहब अगर ये ट्वीट ना करें तो हमें पता ही नहीं चलता कि किसी स्टेट में वारदातें बढ़ रही हैं या वारदातें घट रही हैं। अगर ये ऐसा ना दिखाएं तो हमें महसूस ही नहीं होता कि देश के अंदर वारदातें बढ़ रही हैं या वारदातें घट रही हैं। I can't believe this। खैर एक और देखिए भाई साहब, ये है हमारे NDTV, ये लिखते हैं आंध्रा मैन बीटन हेड शेव्ड ओवर एलेज्ड थेफ्ट एट फिल्म मेकर्स होम। एक फिल्म मेकर के घर कोई इंसान घुसा जिसको पीटा गया और उसके बाल गंजे कर दिए गए। तो भाई साहब ये खबर इनके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा लगता है कि इसकी वजह से करोड़ों जो बेरोजगार लोग बैठे हैं उनके घर में दो वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। ये NDTV की मुहिम है। एक और दिखाता हूं मेरे दोस्तों आप लोगों को, ये तो आजकल हर दिल पे छाई हुई है खबर। मुझे ऐसा लगता है लोगों को अगर कोई बीमारी है ना, बीमारी की दवाई बाद में लेते हैं, ऐसा लगता है कि इस रिया चक्रवर्ती को सलाखों के पीछे पहुंचाने से उनके जीवन में अत्यंत सुकून प्राप्त होगा। देखिए जनाब क्या लिखते हैं, सुशांत केस के लिए DRDO गेस्ट हाउस में रिया और भाई शोवक CBI कर रही है पूछताछ। अरे एक बात बताओ बदतमीज इंसानों, तुम लोगों को यह खबर छापने के लिए ट्विटर हैंडल के लिए, मतलब ऐसी खबरें आपके लिए ज्यादा
इंपॉर्टेंट है कि यह भी बताना कि सीबीआई ने इनको उस पर्टिकुलर जगह पर इनसे पूछताछ कर रही, अरे भाई हमें करना क्या ये तो बताओ, क्या इससे मुझे रोटी मिलेगी। खैर कोई बात नहीं, अभी और भी दिखाता हूं दोस्तों, फिर मैं भड़कने की वजह भी आपको बताऊंगा। ये आपका प्यारा है जी हिंदुस्तान टाइम्स, और ये कहता है 4 फीट लंबा सांप इन्हें मिला साकेत मेट्रो स्टेशन में, ठीक है जी, और ये जनाबी सांप को पकड़े हुए भी हैं। अबे नालायकों, सांप यहां नहीं है, सांप हमें दिखाई दे रहा है कि सांप एक्चुअल में कौन है, ठीक है ना जी, हमें इन्हें पकड़ना होगा। ठीक है, हम लोगों की वजह से ही, हम इस युवा वर्ग की वजह से ही ये लोग हमसे खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को इनकी ये खबरें बड़ी अच्छी लगती हैं। मैं अपना फेसबुक चलाता हूं, उस फेसबुक के ऊपर यही स्पॉन्सर्ड मुझे बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती हैं, ऐसी न्यूज देखने को मिलती हैं, पर कहीं पर भी सरकार से ये सवाल पूछने वाला कोई नहीं है कि हमें रोजगार के लिए जो हमने रेलवेज के एग्जामिनेशन फिल किए, एसएससी के एग्जामिनेशन फिल किए, एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए, उनका रिजल्ट कहां है, पर कोई पूछना। एक और देखो ना, अभी तो तुम्हें मैं ऐसे ऐसे चुटकुले सुनाऊंगा आज भाई साहब, रातों की नींद उड़ जाएगी उनकी जो आने वाले टाइम में इलेक्शन में फिर से जीतने की उम्मीद करे बैठे हैं। माई फुट देखो भाई साहब, ये भाई साहब कंगना रनौत है, जिनका बहुत अच्छा अपना बॉलीवुड में नाम कमा लिया इन्होंने, और वो भी किस लिए, ये हर किसी के बारे में बुरा बोल सकती हैं, ये हर किसी की वास्तविकता लोगों के सामने ला सकती हैं, लेकिन इन्हें रोजगार दिखाई नहीं देता, इन्हें ये दिखाई नहीं देता कि हर घर में एक युवा वर्ग, एक बहन बेटी तैयारी कर रही है, एक भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, उन्हें नौकरी की जरूरत है। देखिए इनका कितना अच्छा मुद्दा है, ये कहती हैं जब किसी एक्टर को विज्ञापन के लिए साइन किया जाता है तो उससे पहले एक्टर्स का ड्रग टेस्ट होना चाहिए। अरे आप एक बात ध्यान से सोच कर देखें मैडम, क्या ये सेंसिबल बात है? और इनसे पूछने से पहले मैं इसको देखूंगा जिस जैसा घटिया चैनल आज तक मैंने नहीं देखा। ये क्या कहना चाहते हैं सोचकर तो देखिए, ये हैं इनके ट्विटर हैंडलर्स जो हमें ऐसी बदतमीज चीजें दिखाना, वाहियात चीजें दिखाना चाहते हैं जिनकी कोई सेंस नहीं है। जब बात आती है देश के रोजगार पर तो बात उठती है मन की बात, वहां पर भी लेके चलूंगा, थोड़ा सा देखते रहिए। ठीक है जी, एक अगली बात आती है जी, देखो कितनी अच्छी है, ये ANI है जो माना जाता है भारतवर्ष का एक बेहतरीन न्यूज एजेंसी है। ठीक है, बेहतरीन, क्योंकि आप देखेंगे जी नरेंद्र मोदी जी अगर गुफा में भी घुसे हुए हैं तो सिर्फ एकमात्र यही फोटोग्राफर वहां पर मिलता है कि वो वहां अनुलोम विलोम कर रहे हैं और वो भगवान भोलेनाथ का जाप कर रहे हैं, तो ये वाला न्यूज चैनल हमेशा वहां पहुंचता है, लेकिन ये उन बच्चों के घर कभी नहीं पहुंचता जो बच्चे पेपर के रिजल्ट ना आने की वजह से सुसाइड करते हैं। ये कभी वहां नहीं पहुंचता, ये कभी वहां आवाज ही नहीं उठाता, लेकिन ये फर्जी, ये यहां पहुंचता है कि महाराष्ट्र एक्टर रिया चक्रवर्ती एंड हर ब्रदर शोविक चक्रवर्ती अराइव एट DRDO गेस्ट हाउस। ये कोई न्यूज है क्या यार? इसके बगैर मेरे को क्या खाना हजम नहीं हो रहा है, लेकिन विद फोटोग्राफ्स, व्हाट अ कोइंसिडेंस, कैसा लगा इनका मजाक? अभी और दिखाता हूं दोस्तों, आप लोगों का भी दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा कि हम किस मीडिया पर ट्रस्ट करे बैठे हैं और किस मीडिया से हम ज्ञान की बात करना चाहते हैं। ये सुबह के ट्वीट्स हैं हमारे बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी का, एंड हियर इट कम्स, लाइव जेंटलमैन आ रहे हैं मन की बात करने के लिए, और सभी के सभी लोगों ने मन की बात को सुन भी लिया है, सभी के सभी लोगों ने मन की बात को सुन लिया जिसके अंदर मुद्दे उठाए गए हैं किस चीज के, खिलौने भारत में बनाए जाएंगे। अरे तुम लोगों ने यहां युवा वर्ग को खिलौना बना डाला है भाई, तुम इसको तो रोजगार दे लो यार, कौन खरीदेगा खिलौनों को? मैं मुद्दे पर आ रहा हूं, पहले आप ध्यान से देखो हमारी मीडिया किस हद तक गिर चुकी है और इस मीडिया ने क्या धज्जियां उड़ाई हैं इस युवा वर्ग की डिमांड्स की। आगे फिर से हमारे मोदी साहब कहते हैं मुझे बहुत अच्छी फोटोग्राफ लगती है, इन्होंने अपने मुंह के ऊपर ये जो दुपट्टा सा लगा रखा है ना जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसके पीछे दो अर्थ समझ में आते हैं कि एक कुछ भी पूछोगे मेरे पास कोई जवाब नहीं है, ठीक है ना, और पूछोगे तो मेरे पास एक ही जवाब है भाई, कोरोना संकट आया, अपने घर चुपचाप बैठे रहो, भूखे मरो, रोजगार की उम्मीद मत करो। अब इन्होंने ये चीज भी हमारे सामने कह दी, चलो जी आपकी मन की बात भी मैं देखूंगा थोड़ी देर बाद। अब एक और देखो सरकार, इसे देखकर तो मेरे दिल के अंदर घंटियां बज रही हैं, ठीक है ना। ये मुद्दा क्या, ध्यान से ये कहते हैं जी नीट और जेई की परीक्षाओं को रोकने के लिए प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर झूठी तस्वीरों के माध्यम से अफवाहें फैलाई जा रही है, कृपया ऐसी झूठी और फर्जी खबरों में के झांसे में ना आए। देवी जी जो भी ये है आई डोंट केयर, ये न्यूज इंडिया चैनल से है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता ये क्या कहना चाह रही है। मुझे एक बात बताओ सर, आप नीट और जेईई के एग्जामिनेशन के लिए तो इतने इंपेरेटिव हैं कि वो एग्जामिनेशन होकर रहेगा,
बच्चे यहां डिमांड कर रहे हैं स्टेट लेवल के, हमारे सीएम और वाइस सीएम ये तक आवाज लगा रहे हैं कि नहीं होने चाहिए एग्जामिनेशन। एक तरफ आप क्या कर रहे हैं सर, मेट्रो को खोल रहे हैं, हाँ या ना। एक तरफ अगर मैं घर से बाहर निकलता हूं तो मुझे कोरोना का संकट दिखाई नहीं देता है, और दूसरी तरफ मैं देखता हूं तो जब बात आती है रोजगार मांगने की, जब बात आती है एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की, जब बात आती है रिजल्ट डिक्लेयर करने की, तब कहीं कोई चीज नहीं है। मोर देन 800 डेज हैव पास्ड, 800 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो लिया। रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए करोड़ों की संख्या में बच्चों ने फॉर्म्स फिल किए हैं, 500 के हिसाब से गुना करते हैं तो रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, शायद आप गणित जानते हैं सरकार। अब आपके दिमाग में दूसरा सवाल ये उठेगा, भैया तेरे को क्या दर्द है, तू तो टीचर है, शांत बैठना, जिनको दर्द होना चाहिए वो तो आराम से वेब सीरीज देख रहे हैं ना, वो आराम से पबजी खेल रहे ना, तेरे को क्या दर्द है। दर्द है भाई, दर्द है भाई। उन बच्चों को पढ़ाया है, उन बच्चों को लाड प्यार से तैयार किया है, उन बच्चों को एक एक एग्जामिनेशन के लिए तैयार किया है, लेकिन एग्जामिनेशन ही नहीं हो रहे तो बच्चे क्या करेंगे, या तो वो अपने माँ बाप की तरफ देखेंगे या फिर ऐसे जैसे टीचर की तरफ देखेंगे कि ये टीचर मेरे लिए क्यों नहीं बोल रहा है। अरे बोले क्या, खा किसी भी न्यूज चैनल पर देख लो भाई साहब, ये खबरें देखने को मिलती हैं कि कंगना रनौत इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है, और जो देश का युवा वर्ग लाखों करोड़ों की संख्या में बेरोजगार बैठा है उसके लिए कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हो रहा। व्हाट अ नॉनसेंस, अरे ये कौन सा तरीका है भाई, ये तो बताओ। मेरी प्रिय सरकार, चाहे आप स्टेट लेवल पर हैं, चाहे आप सेंट्रल लेवल पर हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखना ज्यादा समय नहीं, थोड़े समय के बाद फिर से इलेक्शन सामने आएंगे और उसमें दिखा दिया जाएगा कि कौन क्या करने वाला है और क्या कर सकता है। मेरी इस मीडिया से ये अपील है, मेरे इस छात्र वर्ग से ये अपील है, मेरे इस पेरेंट्स वर्ग से ये अपील है, मैं इन सभी के सभी टीचर समुदाय से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर किसी का किसी से मन मुटाव हो या किसी की किसी बात से आप समय नहीं बनते हो, डजेंट मैटर, लेकिन अपने इस युवा वर्ग के लिए एक साथ एकजुट खड़े हो। 1 तारीख को एक ट्विटर मुहिम चलाई जा रही है जिसके अंदर हम सभी के सभी फ्रंट पर हैं, हम अपने बच्चों के लिए जी जान लड़ा देंगे, जल्दी से जल्दी रिजल्ट दिए SSC, वरना एक दूसरा रास्ता हमें समझ आता है और वो रास्ता बहुत खूबसूरत हो सकता है कि जब से एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं या जब से एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं किए जा रहे हैं, तब से इन सभी के सभी चयन बोर्ड की तनख्वाह को रोक दिया जाए। और मैं तो ये कहता हूं सर, जब ये काम ही नहीं करना चाहते, जब इनको काम करने के निर्देश ही नहीं, तो इनको घर बैठा दिया जाए, थोड़े दिन बेरोजगार रहकर दर्द तो देखो कैसा महसूस होता है। ये करोड़ों की संख्या में जो ये लोग यहां बेरोजगार बैठे हैं, जिस बच्चे ने अपने घर पर ग्रेजुएशन करके घर पर बैठ लिया है, उस माँ बाप को नहीं पता कि पेपर हो ही नहीं रहे, वो तो ये कहता है कब लगेगा तू नौकरी, कब खून खोलेगा तेरा, उसे पता ही नहीं चलता है। सरकार आपके लिए तो मजाक हो सकता है, और आपके ये पाले हुए ये जितने भी नमूने हैं सर, इनको देखकर हमें तो आज बड़ी शर्म आई। मैं सुबह से ट्विटर पर देख रहा हूं, शर्म आ रही है लगातार ये देखकर कि इस युवा वर्ग के लिए कहीं किसी भी मीडिया चैनल पर कहीं कोई आवाज नहीं है। और देखते हैं तो फिर वो रसोड़े में कौन था, व्हाट अ नॉनसेंस, तुम किस चीज की बात कर रहे हो यार, रसोड़े में कौन था। एक टीवी सीरियल के किसी एक पर्टिकुलर क्लिप को उठाकर आपने उसका ऐसा मजाक उड़ा दिया कि लोग उसे देखकर खिलखिला रहे हैं, लेकिन हकीकत में जैसे ही वो टीवी, जैसे ही वो यूट्यूब, जैसे ही वो मोबाइल बंद होता है, पेट की भूख इंसान के सीने को फाड़कर हकीकत से मिला देती है। जब तक 2 रुपए का रोजगार मेरे पास नहीं है, तब तक मेरा जीवन चल ही नहीं सकता। मैं आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध करूंगा कि भैया 1 तारीख को 11 बजे हम ट्विटर पर मुहिम चला रहे हैं, या तो इस सरकार को जगा देंगे, नहीं तो सरकार को पूरी तरह से बेहोश कर देंगे। जितने भी यूट्यूब पर चैनल्स हैं आज तक, इन NDTV, जितने भी ये फर्जीवाड़ा चला रहे हैं ना सर, जो ये फर्जी हमारे सामने न्यूज दिखाने, मुझे का मतलब इस युवा वर्ग को किसी भी न्यूज से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। IPL में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरी रोटी नहीं चलती भाई इनसे, मेरी रोटी चलती है मेरे रोजगार से। तो इन सभी को दबा के डिसलाइक करो सर, सबको दबा के डिसलाइक करो, सभी के YouTube चैनल्स पर जाओ, सभी को दबा के डिसलाइक करो, और जितने भी ये जो भी फर्जीवाड़े चल रहे हैं ना मेरे भाइयों, इन सभी के जाकर नीचे ट्विटर पर और लिखो वही कि स्पीक फॉर रेलवेज एंड SSC एग्जाम्स, कि हमारे लिए आवाज उठाओ, हमें इन फर्जी अखबारों की, इन फर्जी न्यूज से कोई लेना देना नहीं है।
वरना फिर दूसरा रास्ता हमारे पास बहुत अच्छा है कि हर एक चयन बोर्ड की तनख्वाह को रोक दिया जाए और छटनी कर दी जाए इनमें से, जितना जल्दी हो इनमें रिट्रेंचमेंट किया जाए, इनमें से छटनी की जाए कि जो काम नहीं करना चाहते उन्हें तुरंत घर पर भेज दिया जाए और उनके लिए नए ऐसे काबिल अफसरों को बिठाया जाए जो एक निर्धारित समय पर एग्जामिनेशन ले सके। देखिए जनाब, हम जानते हैं कोरोना संकट कहां तक है और कहां तक नहीं है। घर से बाहर हम भी निकलते हैं, हमें भी घर से बाहर निकलकर अपने दो काम करने होते हैं। तो सर, ये जब आप यहां लिख रहे हैं ना कि कैलिब्रेटेड सेंस में आपकी मेट्रो चलेगी, तो हमें यह चीज बहुत अच्छे से समझ आती है कि आप अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए तो सारी चीज सुविधाएं खोलते जा रहे हैं, लेकिन जहां रोजगार देने की बात आती है वहां ये बातें फर्जी लगती हैं। सर, दिल में दर्द होता है। हमारा बच्चा, हर एक स्टेट में आप जाकर देखो, कहीं बाढ़ आई हुई है, कहीं परिस्थितियां खराब हुई है। सर, हम क्या करें? क्या स्टेट लेवल की बाढ़ आना स्वाभाविक है? हर साल बाढ़ आती है, आप तो एक ही स्टेटमेंट देते हैं, पिछले साल भी बाढ़ आई थी, उससे पिछले साल भी बाढ़ आई थी। तो एक काम क्यों ना किया जाए कि अगर बाढ़ वहां पर आती है तो वहां के चीफ मिनिस्टर को पकड़कर गला एक बार पूछ तो लिया जाए कि भाई तूने किया क्या। ठीक इसी तरीके से एसएससी के चेयरमैन से पूछ तो लिया जाए कि तुमने किया क्या। अभी तक तुम एसएससी का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर पाए, यहां बच्चे बैठे बैठे बेरोजगार होते जा रहे हैं, बैठे बैठे उम्र निकलती जा रही है, वो किसी और फॉर्म को फिल ही नहीं कर पाते। ये वही बात हो रही है कि तुम्हें मिलेगा लेकिन अभी नहीं, कुछ समय इंतजार करो, तब तक वो भूखा मरे। देश के युवाओं से एक हाथ जोड़कर अनुरोध है, सभी शिक्षक वर्ग से हाथ जोड़कर अनुरोध है, कृपया इस ट्विटर की मुहिम में जुड़े। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारा ये मुद्दा मीडिया में जाएगा और भला हो जाएगा, तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। मीडिया के सारे चैनल भी मिलके एक एक बार बोल देना दो दो मिनट, तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार के कान पे मीडिया की बातों की अब जू नहीं रेंगती। सरकार और मीडिया एक हो चुकी है, वो न्यूट्रल थोड़ी है जो सरकार से जाके सवाल करेगी। पहले अगर मीडिया में कोई बात उठ गई तो उसको बहुत बड़ा समझा जाता था, अच्छा मीडिया में आ गई अब तो सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। तमाम बातें मीडिया में आ रही हैं, सरकार को कोई मतलब नहीं है। आप सोच रहे हो कि सुशांत सिंह वाले केस में तो सरकार ने मीडिया को सीरियस लिया, क्योंकि सरकार को बिहार में चुनाव देख रहे थे, सरकार को बिहार में वोट चाहिए था, तो उन्होंने कहा ठीक है ये मामला जल्दी से जल्दी सुलटे। अब मीडिया भी पूरी इसी तरीके से लगी हुई है, बट 2.5 करोड़ लोग, आरआरबी, एनटीपीसी, 40-50 लोग, सीजीएल, ये सब कितना सफर कर रहे हैं, 3-3 साल से बिना नौकरी के बैठे हैं। 2-3 तो मेरे सामने बैठे हैं अभी, मैं आपको बता दूं, जो सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। प्री क्वालिफाई कर दिया, रिजल्ट नहीं आता, 850 दिन हो गए सिंस नोटिफिकेशन। इसको छोड़ दो, ये तो 2018 का एग्जाम है, क्या 2017 में सबकी ज्वाइनिंग आ गई? 17 का एग्जाम 2021 आने को है, 4 साल में आप एक नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे, आप पूरे देश का चुनाव 1 महीने में खत्म करा देते हैं। ये हमारा देश के प्रति, देश के युवा के प्रति रुझान है सरकार का। इतना मन दुखी हो चुका है और अब होने वाला कुछ है नहीं, अब या तो कुछ एक बड़ा आंदोलन हो। मीडिया से तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, यह भी छोड़ दीजिए कि मीडिया अगर 2-4 बातें बोल भी देगी तो कुछ होगा नहीं। मीडिया के साथ तो हमें यह करना है बॉयकॉट मीडिया। आज से हम कोई न्यूज चैनल नहीं देखेंगे, आज से हम कोई भी न्यूज की वीडियो नहीं देखेंगे, आज से हम इन सब की वीडियो आ भी जाती है सामने तो उसे डिसलाइक करेंगे, अपने मां बाप को बोलेंगे कि न्यूज चैनल बिल्कुल ना खरीदे, टीवी देखे बट कोई न्यूज ना देखे। हम बताएंगे इनको, इनकी जो टीआरपी है ना वो हम ही ने बढ़ा दी, हमें ही मजा आता है उन बातों में, और उन बातों के मजे के चक्कर में हमारा सबका भविष्य खराब हो गया। मीडिया को लगने लगा अच्छा ये चीज है। अब मैं अपने चैनल की बात करूं, मैं मसाले की वीडियो बनाऊं, रोज 1 लाख व्यू आएंगे, बट मेरा चैनल एजुकेशन का है, मुझे वो काम भी करना है। ठीक है मैंने महीने में एक बार एक वीडियो बना दिया, 2 वीडियो बना दिए, उसके अलावा तो मैं पढ़ाऊंगा ना, या मैं ये चिंता करूं नहीं मेरी इस वीडियो पे 30,000 व्यू आते हैं तो अब मैं ये वीडियो नहीं डाल रहा। यही सेम काम मीडिया को करना चाहिए था कि जो उनका काम है, व्यू आए या ना आए, उनको वही काम लगातार करते रहना चाहिए था, बट वो नहीं कर रहे। वो क्या करते हैं, अब जेई और नीट की परीक्षा सरकार चाहती है, इसीलिए मीडिया लगा हुआ है कि नहीं करा के रहेंगे। लड़ रहा है मीडिया उसके लिए क्योंकि सरकार चाहती है, तो मीडिया यहां पे वही कर रहा है जो सरकार चाहती है। तो सबसे पहले हमें सरकार से चाहवाना है कि वो हमारे एग्जाम भी टाइम पे ले। मीडिया से सरकार नहीं सुधरेगी, सरकार से मीडिया सुधरेगी। तो गुजारिश हमारी सरकार से है, सबसे पहले कोई न्यूज चैनल हम नहीं देखेंगे। आपके पिता मम्मी सबको न्यूज चैनल को बायकॉट करना होगा और आपके लिए ट्वीट करने होंगे, आपके लिए कैंपेनिंग चलानी होगी, चाहे यूट्यूब पे हम चलाएंगे, जैसे कि हैशटैग अभी चल रहा है एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट चल रहा है, और एक चल रहा है हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे एग्जाम। सोचिए कितना गलत हो रहा है यार, अब तो हद हो गई कि आप फॉर्म भरवा लेते हो 2.5 करोड़ लोगों से, उनका पैसा आप खा गए, आपसे ज्यादा भाइयात और गंदा आदमी कौन होगा। अब थोड़े दिन बाद रेलवे बिक जाएगी, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब बच्चों का पैसा डूब गया। अरे मेहनत की कमाई है,
खून पसीना बहा के कमाया एक एक रुपया। आप कमा के देखो, सरकार का एक आदमी कमा के देखे, फोकट की सैलरी मिल जाती है ना, जगह जगह से पसीना आ जाएगा, जगह जगह से। अभी तो आपको सैलरी भी मिल रही है साहब। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, अगर ये समाज सेवा करते हैं नेता लोग तो इनको सैलरी किस बात की है, और जब ये सैलरी लेते हैं तो फिर इनको नौकर की तरह क्यों नहीं ट्रीट किया जाता, फिर ये राजा किस बात के हैं जब ये सैलरी ले रहे हैं देश से। तो बताइए आप, मोदी जी तमाम दिन से मन की बात कर रहे हैं, एक एक बात मैंने इनकी मन की सुनी है भाई साहब। मन की बात में आज तक इन्होंने रोजगार पे बात की नहीं। अरे रोजगार को गोली मारो, जो रोजगार निकाल दे कम से कम उसे तो टाइम पे दो, या उसे भी टाइम पे नहीं दोगे, उसे भी आपने अपने रेवेन्यू का जरिया बना लिया, कौन टैक्स वसूलेगा आपके लिए। मोदी जी लगता है दूरगामी सिर्फ अपने लिए थे, देश के लिए नहीं है। अपने लिए तो उन्होंने सोच लिया था कि कैसे कैसे रास्ते पे चलूंगा कि प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, बट वो ये नहीं सोच रहे कि इस देश का युवा जो आज जिन हालातों में, अगर यही हालत रहा तो ये देश नीचे चला जाएगा। ये आपकी देशभक्ति है, ये आपका देश प्रेम है। और ये जो मीडिया वाले चिल्लाते हैं ओम कश्यप फलाना ढिमका कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, ये देशभक्त हैं, इनको नहीं दिखता कि क्या हो रहा है इस देश के अंदर, युवा कैसे बढ़े। कितने न्यूज चैनल को मैं कॉल करके बोलता हूं कि इस चैनल पे डिबेट करा लो, अरे नहीं इस पे नहीं कराएंगे, हम दिखाएंगे तुम्हें तुम्हारी औकात, तब तुम्हें पता चलेगा। एक बात बताओ, अभी सीबीआई का केस रिया हुआ तो एक एक दिन की अपडेट आ रही है नहीं आ रही, सुबह क्या हुआ, शाम को क्या हुआ, अभी रिया कहां है। जब ये 2017 वाला केस सीजीएल का सीबीआई में गया था तब तुम मीडिया वाले मर गए थे, तब तुम नहीं दिखा सकते थे। आज ये दो बंदे पकड़े गए, इन्होंने नकल कराई थी, तुमने एक बार भी दिखाया वो केस, और केस डंप हो गया। जब मीडिया उस केस को दिखाएगी नहीं तो केस तो डंप हो ही जाएगा, तब आप नहीं बोले बीच में। और शिक्षा में भी माफिया बैठे हैं, इनको भी कोई मतलब नहीं पड़ता, सब सबको लगता है अपना पैसा कमा के बैठे, अरे क्या बच्चों के बारे में सोचना, अरे हमने नहीं कमाया पैसा, क्यों नहीं सोचेंगे, तुम्हारे घर की दाल रोटी बढ़िया चल रही है तो चलाते रहो। कम से कम जिन बच्चों से आपने पैसा कमाया, जिन बच्चों की वजह से आप अरबपति बने बैठे हो, उनके बारे में तो सोचो, नहीं तो एक दिन खत्म हो जाओगे। मैं बड़े बड़े चैनल वालों से भी कहता हूं, सिर्फ यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूं मैं, आज सारे यूट्यूब चैनल को कसम है कि इन सब चीजों पर वीडियो बनाए, और ये बच्चों को भी कसम है कि वो इन वीडियो को वायरल करेंगे, चाहे वो किसी भी चैनल की वीडियो हो, एक वीडियो तो ट्रेंडिंग वन जानी ही चाहिए। आज देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई सीईटी आया, एक न्यूज चैनल वाले ने तमीज से डिस्कशन नहीं किया, तमीज से सरकार का इंटरव्यू नहीं लिया जितेंद्र सिंह का कि आप बताओ इसको कैसे लागू करोगे। यार आप तो सिर्फ अंधकार में रख रहे हो, आपको लगता है हल्ला हो रहा है चलो सीईटी फेंक दो, हल्ला हो रहा है चलो ये फेंक दो, हल्ला हो रहा है राम मंदिर घोषित कर दिया। सीईटी पे आपने कोई सवाल सरकार से नहीं पूछा। अरे देश में अगर कुछ हो रहा है, कोई योजना आ रही है, कोई नई चीज आ रही है, तो ये मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो सरकार से जवाब मांगे और पूछे। यही काम मीडिया का होता था और वैल्यू भी होती थी मीडिया की, आज कोई वैल्यू नहीं है। मैं जरूरी नहीं समझता कि हमें न्यूज चैनल पे अपना मुद्दा लेके आना है, क्योंकि इनकी औकात नहीं रही है, बिल्कुल ही जीरो कौड़ी के लोग हो चुके हैं। सीधा सीधी सी बात है, पहुंचा देना इन तक भी ये वीडियो ताकि सुधर जाए, नहीं तो बुढ़ापे में कोई पानी देने वाला पैदा नहीं होगा इनको, जो ये कर्म कर रहे हैं, जो लोगों की बद्दुआएं ये ले रहे हैं। जीना दुष्पार कर दिया यार आपने। मैं अपनी जगह रख के जब ये देखता हूं कि एक बच्चा जिसने 3 साल से तैयारी की और सिलेक्शन नहीं हो तो उस पर क्या बीतती है। जैसे बच्चों से कहते हो एफर्ट लगाओ एफर्ट लगाओ, 3-3 साल बच्चा तैयारी करता है, 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए यहां फीस भरता है, आपको पता है कैसे गुजारा करता है। एक इस आस में मां बाप सोचते हैं चलो हमारे बच्चे की नौकरी लग जाएगी। आपको नहीं पता कि शिक्षा का इस तरह बढ़ना चाहिए था। चलिए मां बाप किसी का पढ़ा लिखा नहीं है, कम से कम बच्चा तो सिलेक्ट होके घर की जिंदगी को बदले। आप वैकेंसी कम निकाल रहे हो, हमने ये भी एक्सेप्ट कर लिया, बट अब आप जो निकाल रहे हो उसको भी टाइम पे नहीं दे रहे। एक तो मैं कम लोगों को खाना खिलाऊंगा, जितनों को खिलाऊंगा उनको भी टाइम पे नहीं दूंगा जब तक भूखे ना मर जाए। ये कौन सी बात हुई। ये सब निकला था, इन्होंने आरआरबी के एग्जाम में बस सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन डालते रहे। 2.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा, जैसा मैंने आज सर्च किया गूगल में मुझे पता चला, और इन्होंने 500 रुपए फीस ली, बोले 400 वापस कर देंगे। अबे उधार ले रहे हो बच्चों से, शर्म नहीं आती तुम्हें, सरकार से मांगो ना कि 400 ले रहे हैं तुमसे वापस कर देंगे। बताओ मुझे दोगे तुम 500 रुपए उधार, मैं भी दे दूंगा 6 महीने बाद। मजाक बना के रख दिया है। एसएससी के लिए बोलना है, एसएससी रेलवे एनटीपीसी, हमें ये इंतजार नहीं करना। ये अभी पता है क्या करेंगे, सीईटी का एक और नोटिफिकेशन डाल देंगे, अब तो ठीक कर रहे। अरे या तो आज से ठीक करो, या जब तक तुम्हारा ये सीईटी नहीं आता तब तक सारी चीजें ठीक करो। मेरी सब यूट्यूबर से गुजारिश है, जितने भी लोग हैं जिनके चाहे 1 लाख सब्सक्राइबर हैं 2 लाख, सब इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाओ। 5 दिन तक मेरी गुजारिश है बच्चों से भी, सिर्फ आप सब कुछ छोड़ दो। एक बार तो लगना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना पड़ेगा, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। 5 दिन तक हम सब लग जाते हैं,
और नानी याद दिला देंगे। इस बात का भरोसा मुझ पर रखिए कि क्या कुछ नहीं हिल सकता यार। अगर हम 2.5 करोड़ लोग फॉर्म भर रहे हैं, अगर ये 3 करोड़ लोग चाहे ना तो सल्तनत हिल सकती है। मोदी जी गलत नहीं बोल रहे, कुछ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप एनालिसिस करा लो, आपके पास तो इतने बड़े बड़े एनालिस्ट भरे पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े टॉप टॉप लेवल के शिक्षाविद हैं आपके पास, वो सब बता देंगे।